से भी इतना सा हल्का सा गूदा निकल रहा है, यही 350 रुपए का है, इतना महंगा है, यही खाना है, ना खाना हो तो यहीं देख के काम चला लेना। देखो आज हम लोग खाने जा रहे हैं, ये नया फल है, इसका नाम है मैंगोस्टीन थाईलैंड। अच्छी पूरा नाम बताएगी, क्या नाम है इसका सही से? मैंगोस्टीन थाईलैंड। मैंगोस्टीन थाईलैंड, और ये हम लोगों ने लुलु मॉल से लिया है। तो देखिए ये 999 पर केजी के हिसाब से प्राइस है, और ये जो हमारे हाथ में है ये लगभग 350 रुपए का है। तो चलो इसको खोलते हैं और खा के देखते हैं कि कैसा लगता है, कभी हमने नहीं खाया। तो इसको मैं फाड़ दे रहा हूँ। ओके, इसको हमें टेस्ट भी नहीं पता है कि कैसा होता है। अरे खा के जान जाए। ये भी नहीं पता ये छिलका खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। वही तो, ठीक है ना, ही अब इतना पैसा हमने लगाया है तो एटलीस्ट अच्छा। तो हम छिलका भी खाएंगे और बिना छिलके का भी खाएंगे। इसका बिया रख लेना, बोएंगे तब पेड़ उगाएंगे तब बेचेंगे। लो सुने, ये यहाँ बिजनेस भी हो गया। तो ये हो गया, इसको धुल के लाता हूँ मैं। ये ऐसे बाहर निकाल देते हैं जिससे पूरा आप देख सके। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा जैसे पक जाते हैं तो हाँ, तो ये लग रहा है खेल का कच्चा है। हाँ। और ये वाले थोड़े पके हुए, तो मैं इसको खोल लूंगा ना। मुझे नहीं पता कि अंदर कितनी कड़ा मिलेगा, लेकिन ये कट गया आराम से, और ये सड़ा निकला है। सड़ा है, ऐसे होता है? नहीं, अब मैं अगला खोलता हूँ तो पता चलेगा ये सड़ा है कि नहीं सड़ा है। सड़ा लग तो रहा है, या फिर ज्यादा पक गया है। 350 रुपए का। मुझे लग रहा है कुछ जेली टाइप का नीचे निकलेगा, पर ये सब में ऐसे निकल रहा है। हाँ। यानी सड़ा नहीं। और ये लगता है जो अंदर है ना ये खाना होता है। तो फिर वो ये देखो, ये यही खाना होता है, जैसे कोई लीची में नहीं अंदर निकलता है ये, है ना। मैं इसको भले ये सड़ा हुआ पार्ट है, मैं ऊपर वाला पार्ट जो है ये व्हाइट वाला खा के बताता हूँ। okay. तो कैमरामैन मेरे ऊपर फोकस करें, इस तरीके से करेंगे इसको खा के देखेंगे। आलू शोर खाने वाला था। बहुत मीठा है और खट्टा भी है। और वो पार्ट क्या है उसको भी ट्राई करो। वो इतना बड़ा सब खोल था उसका कवर। खट मीठा सा है, और कभी ऐसा फ्लेवर मैंने नहीं चखा है, ये पहली बार ऐसा फ्लेवर है। तो शौक से खरीदे, शौक से खाएं, और शौक के फूडी को सब्सक्राइब करके जाएं। क्या कह रही थी वो भी रिकॉर्ड कर लेते। मैं कह रही थी किसी मतलब फ्रूट से मिलता जुलता जो नहीं है किसी से। इसका कवर जो है उसको भी जरा देखें, उसमें से तो कुछ नहीं खाया जाता। तो दिखाओ, अभी कभी खाए नहीं है तो पता तो चले कि खाया जाता है कि नहीं। हाँ, तो वो ऑन करो, ऑन करो, ऑन ही है तब से। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं इसके छिलके को भी ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ऑन कियो, अब बोले फिर से। नहीं नहीं, ऑन ही था तब से। अच्छा, ऑन ही था, तो वहां से काट लेंगे उसको। तो ये कुछ गूलर की खोल जैसे लग रहा है, जैसे गूलर निकलता है ना। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, मुझे तो लग रहा है उसी से इंस्पायर है। और मैं पहली बार इसका छिलका अंदर से खाने जा रहा हूँ। एडिबल है या नहीं? तो भाई साहब इसका छिलका नहीं खाना है। एडिबल नहीं है। आपको ये इतना सा हल्का सा गूदा निकल रहा है, यही 350 रुपए का है, इतना महंगा है, यही खाना है, ना खाना हो तो यहीं देख के काम चला लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, और इस बारिश में हमने इस फल को काटा है, और उसमें एक फल में जाके ये अच्छा पार्ट मिला है। तो देखिए कितना सुंदर सा है, ये देखिए ये पार्ट मिला है। एक और दिखाई, फिर से दिखाइए। ये देख, यही पार्ट सबसे अच्छा मिला। उन चार फलों में ये पार्ट अच्छा मिला, तो मैंने कहा कि थोड़ा अच्छी जगह आके खा। तो हम लोग को यानी वो रेड वाला खरीदना चाहिए जो ज्यादा रेड हो। हाँ, ज्यादा काले पर मत। काले मतलब कि वो खराब होने वाला होता है। तो मैं इसे सीधे खा रहा हूँ। हाँ खाइए। देखने में ना जैसे कि अगर उसका अच्छे से निकाला जाए। इसमें बीज भी निकला है, और इस बीज को हम लोग गमले में लगा देंगे जिसे यहीं पर उगाएंगे। ये देखिए थाईलैंड की चीज यहाँ हो गई। ठीक है, अब थाईलैंड नहीं, अभी इंडियन मैंगो होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंगो स्टीन इंडिया बनेगा।